इसके बाद पहले उन्होंने मांगा। आप बैठ जाए ना, आपके हो चुके हैं ना जी, आप तो रेजोल्यूशन पास हो चुका है। रजा रबानी साहब, जनाब स्पीकर साहब, रजा रबानी साहब, बस हो गया आपका, लग गया। रजा रबानी साहब प्लीज। जनाब स्पीकर साहब, आपके तवसुत से मैं हुकूमत की तवज्जो जो है वो आज के ऑर्डर्स ऑफ द डे की तरफ करवाना चाहता हूँ, और बिलखसूस आइटम नंबर 7 की तरफ। जनाब जनाब स्पीकर, 7 आइटम्स जो हैं वो ऑर्डर नंबर 7 के ऊपर, आइटम नंबर 7 के ऊपर लिस्टेड हैं, लेकिन अफसोस से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि जो बात सेनेट ने एक बार नहीं लातादाद बार कही कि पार्लियामान का जॉइंट सेशन हो जिसमें मुल्क के अंदर बढ़ती हुई दहशतगर्दी को डिस्कस किया जाए, आज जनाब चेयरमैन खैबर पख्तूनख्वा खून के अंदर लथपथ है। कुछ दिन पहले जो वाकया पेशावर के अंदर हुआ वो अपनी जगह पे, लेकिन जो टेररिज्म मुल्क के अंदर और बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बढ़ रहा है वो ऑर्डर्स ऑफ द डे के ऊपर नहीं है जनाब चेयरमैन। उसको ऑर्डर्स ऑफ द डे के ऊपर जनाब चेयरमैन होना चाहिए, क्योंकि ये तारीख इस बात की गवाह है कि जब पिछली हुकूमत ने टीटीपी के साथ मुज़ाकरात शुरू किए और पार्लियामान को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया और उसके बाद उनकी रिहैबिलिटेशन की बात की गई और पार्लियामान को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, उसके बड़े संगीन और ख़तरनाक नतायज सामने आए, जिसकी वजह से आज इस मुल्क में दहशतगर्दी जो है वो एक बार फिर पनप रही है। लिहाजा जनाब चेयरमैन, जनाब स्पीकर, आपके तवसुत से मेरी हुकूमत से ये गुजारिश होगी कि उसको ऑर्डर्स ऑफ द डे पे लाया जाए, ना सिर्फ उस पर बहस हो बल्कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो अस्करी कुवतें हैं, उनको भी यहाँ पे मदु किया जाए और वो भी आके अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो मौजूदा स्टेक वो मौजूदा टेररिज्म की सूरत हाल पे दें, बिकॉज दे आर नेसेसरी स्टेक होल्डर्स इन दिस एंटायर प्रोसेस। देयरफॉर इट इज़ द राइट ऑफ पार्लियामेंट एंड थ्रू पार्लियामेंट इट इज़ द राइट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान टू बी अवेयर ऑफ व्हाट स्टेप्स एंड व्हाट पॉलिसी is being taken, and if parliament is in agreement with it or parliament wants to amend that policy, lihaza aapke tawassut se main ye guzarish karunga ki usko aap agenda item pe hukumat se keh ke leke aaye. aur ek aur janab chairman, isi se related nihayat hi afsosnak baat hai ki us khaybar pakhtunkhwa se taluq rakhne wale ek mna ali wazir sahab जिनके तमाम तर बेल हो चुकी है उनके केसेस में, लेकिन वो आज तक रिहा नहीं किए गए और ना ही उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स जो है वो जारी किए गए।